जी एन बी न्यूज़ शहर में आप सभी का स्वागत है। मैं परवेज अख्तर, आज मैं मौजूद हूँ मड़ आइलैंड और आज जो है ईद का दिन है। हमारे साथ इमाम साहब जुड़े हुए हैं, आइए जानते हैं इनसे कि क्या ये शांति का पैगाम लोगों को देंगे इस्लाम के लिए। तो सर अस्सलाम वालेकुम, हमारे चैनल में स्वागत है, क्या लोगों को मैसेज देंगे सर आज? सर आज हम अहले इस्लाम के लिए बहुत बड़ा दिन है जी। जी आज ये हमारी मड़ की आबादी जो अहले ईमान व इस्लाम की है जी, हम लोगों ने एक महीना रोज़ा रखकर आज शुक्राने के तौर पर नमाज ईद अदा की है जी। हमारी ये गौसुल आलम मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट मड़ मस्जिद जी, पूरे मड़ वासियों को और पूरे हिंदुस्तान वासियों को और पूरी दुनिया के लोगों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देती है। मैं अपनी तरफ से भी, अपनी कमेटी की तरफ से भी सबको मुबारकबाद देता हूं। ईद एक हमारी खुशी का दिन है कि हमने अपने रब को राज़ी करने के लिए एक महीना रोज़ा रखा, उसने हमें तौफीक दी, तो आज उसी के शुक्राने में हम जमा होते हैं अल्लाह की बारगाह में हमद करने के लिए, उसकी सना करने के लिए। मैं आज अपने तमाम मुसलमान भाइयों को इस बात की दावत दूंगा कि वो अपने मुल्क में, अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने इलाके में अमन और मोहब्बत और प्यार को फैलाएं, ख़ास तौर से अपने गरीब मिस्कीन यतीम भाइयों की मदद करें। जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों में वो सहारा बने। ईद में हमारे यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज को अदा करने से पहले एक हुक्म दिया है कि नमाज पढ़ने से पहले फितरा दो, और वो फितरा गरीब को दो, मिस्कीन को दो, यतीम को दो, ताकि जिस तरह से मालदार ईद मनाता है, खुशी मनाता है, अच्छे पकवान और अच्छे कपड़े का इंतज़ाम करता है, ऐसे ही हमारे वो गरीब भाई भी अच्छा कपड़ा और अच्छे पकवान का इस्तेमाल करें और वो हमारे मालदारों के साथ, अमीरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ईद की खुशियां मना सकें। तो मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करूंगा कि वो अपने गरीब भाइयों का ख्याल रखें और देश में अमन अमान और मोहब्बत और भाईचारा को आम करें, कहीं भी किसी तरह की बदअमनी बदनज़मी का शिकार ना हो। ख़ास तौर से आज हमारे लोग जगह जगह टहलने घूमने जाते हैं, वहाँ क्राउड करने से बचें, लोगों को यात्रा में तकलीफ़ ना दें, ज़्यादा से ज़्यादा वो अमन और प्यार फैलाने की कोशिश करें। हमारा पैगाम मोहब्बत है और अमन है, इस्लाम एक शांति का मज़हब है। हम इस मस्जिद से अपने मुल्क की खुशहाली के लिए और उसकी तरक्की के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला हमारे इस वतन अजीज़ को पूरी दुनिया में सबसे बेहतर मुल्क बनाए और हमें इस हिंदुस्तान में सबको मिलकर आपस में भाईचारा के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तो सर नफ़रत की जो राजनीति हो रही है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए हर आदमी का अपना काम है जी। जो नफ़रत करते हैं जी, जी। वो अपना काम करते हैं जी। हम अहले मोहब्बत हैं, हमारा पैगाम मोहब्बत है जी, जी, जी। हम उन नफ़रत वालों को भी नफ़रत के ज़रिए पैगाम नहीं देना चाहते। हम तो ये अपनी कौम से कहते हैं कि जो तुमसे नफ़रत करते हैं उनके दिलों में तुम अपनी मोहब्बत पैदा करो। मेरे रसूल, हम जिनको मानते हैं, हम जिनका कलमा पढ़ते हैं, वो तो गालियां खा के भी दुआएं देते थे, मार खा करके भी आपने दुआएं दी। हम उस नबी का कलमा पढ़ते हैं जो गालियां खा के दुआएं देता था। नफ़रत करने वालों ने इतनी नफ़रत की कि अपने गांव से निकाल दिया, लेकिन जब उनका मौका आया तो उन्होंने पूरे गांव को सीने से लगा लिया। हम उस रसूल के उम्मती हैं, तो हमसे जो लोग नफ़रत करते हैं हमें तो नहीं लगता कि कुछ ऐसे लोग होंगे, और अगर वो हैं तो शायद वो हमें नहीं समझ पा रहे हैं या हम उन्हें नहीं समझ पा रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि अगर हमारे से उनको कोई दुश्वारी है, दिक्कत है, तो हम उस कमी को कोशिश करेंगे कि पूरा करें, और ये जो बीच की दूरियां अगर कहीं भी थोड़ी बहुत नज़र आती हैं तो वो दूर हो जाएं मोहब्बत के साथ। ये मुल्क तरक्की करेगा प्यार से, हम तरक्की करेंगे मोहब्बत से, लोग आगे बढ़ेंगे मोहब्बत से। झगड़ा, नफ़रत, लड़ाई, ये किसी भी चीज़ का हल नहीं है। आदमी को टेबल पर आकर के ही एक दिन बैठना पड़ता है, अगर कुछ है तो उसे आपस में एक दूसरे को कह सुन करके हमें मामलात करना है। और पहली बात तो ये है कि हम मुसलमानों के दिलों में कुछ भी नहीं, मेरा ये मड़ शांति का प्रतीक है।
यहाँ के तमाम हमारे गैर मुस्लिम भाई और हम मुस्लिम सब मिलजुल करके रहते हैं जी, जी। हमारे पर्व में हम उन्हें बुलाते हैं तो वो आते हैं, और ख़ासतौर से हमारे यहाँ के ये मालोनी में जो पुलिसकर्मी है वो इस बात के गवाह हैं। आज हमारे 20 साल हो गया है अमन शांति की, वो मिसाल हमारे हिंदू भाइयों ने और हमारे बंदों ने मुसलमानों ने की है कि जो आपको खोजने के लिए मिलेगी। हम बड़ा प्रोग्राम करते हैं उसमें सबको दावत देते हैं और सब हमारे कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े होते हैं हमारी मस्जिद के लिए। ये सब उन सारे लोगों का ताउन इसमें शामिल है, हमारी कमेटी के साथ सब लोग खड़े रहते हैं। हम सबका धन्यवाद करते हैं और सबका शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे मुल्क में अमनो शांति का पैगाम हर जगह पहुंचेगा, और मैं पूरे देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देता हूं। हमारी कमेटी पूरे देशवासियों को ईद की मुबारकबाद देती है। गौसुल आलम मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट मड़ मस्जिद, इसी बात पर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको ईद की खुशियाँ नसीब फरमाए। सलाम, धन्यवाद सर। मेरे साथ और भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, आइए आपसे रूबरू करवाते हैं। और ये क्या शांति का मैसेज लोगों को देंगे, आइए आप इनसे रूबरू करवाते हैं आपको। जी क्या मैसेज देंगे सर आप? अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक है, ईद का फंक्शन है हमारा आज, ईद मुबारक की बात देंगे। मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि जितने लोग हैं जो भी ईद मना रहे हैं उन सभी को ईद मुबारक, और मेरे जो गैर मुस्लिम भाई लोग हैं उन्हें भी ईद मुबारक। और हम बस यही चाहेंगे कि सब लोग मिलजुल कर रहें और शांति से रहें, बस ये कहना चाहेंगे जी। आप क्या कहना चाहेंगे मौलाना साहब? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अमन शांति बनाए रखें और आपस में मोहब्बत और भाईचारगी कायम रखें जी। और हम यहाँ पर हिंदुस्तान में इसलिए जाते हैं कि लड़ाई झगड़े ना हो जी। आपस में इसी तरह भाईचारगी कायम रहे जी। ये हमारी संदेश है आपके चैनल के माध्यम से जी। जी जी, आप क्या कहेंगे सर? क्या कहना चाहिए आप, क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तमाम देशवासियों को ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, ये हमारा सोसाइटी है यूनाइटेड एसोसिएशन चैरिटेबल ट्रस्ट, जो सामाजिक काम करती है, और ये हमारा ईद का त्यौहार है जो अमन और शांति का पैगाम देता है। और ये खाली मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए, पूरी दुनिया के लिए अमन और शांति का पैगाम देता है। और हम चाहेंगे कि हमारे इस त्यौहार पर आप तमाम ही हजरात पूरे देशवासी ईद मनाएं और कांधे से कांधा मिलकर खड़े हों, यही हम पैगाम देना चाहते हैं। सर, जो नफ़रत की राजनीति इस समय चल रही है उसके बारे में आप क्या लोगों को मैसेज देंगे? देखिए, ऐसे चंद लोग हैं, अगर उनको परसेंटेज में काउंट किया जाए तो मेरे ख्याल में 10% ऐसे लोग होते हैं हर समाज के अंदर जिनका समाज से कोई ताल्लुक नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है और अमन और शांति को का पैगाम आगे करने की ज़रूरत है और हम इसी को आगे करते हैं जी। जी सर, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तानियों को ईद मुबारक की बात देना चाहता हूँ। और ये मढ़ है, मढ़ के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई हैं। यहाँ भाईचारा का मिसाल है, भाईचारा यहाँ बहुत अच्छे से रहता है। हमको तो यहाँ 17 साल हो गया है, हमने तो आज तक हिंदू मुस्लिम का झगड़ा देखा नहीं ना। और ईद मुबारक की शुभकामनाएं। क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो जैसे कि मतलब होते हैं कि हिंदू मुस्लिम में बहुत झगड़े होते हैं ये बात पर कि मुसलमान खराब है, तो मैं एक बात पर कुछ बोलना चाहता हूँ। जैसे कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, इन दोनों को कोई लड़ाए वो इंसान बुरा है, तो ऐसा मत करो, सबको समझो, सब भाई भाई है, इतना याद रखो। क्या बोलते हैं मियाँ भाई, हाँ।